हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहा है और आज हम लोगों की कहीं घूमने की प्लानिंग है। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आज थोड़ा सा हम लोगों का खाना लेट हो गया है थोड़ी तैयारी के चक्कर में, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने, बहुत लेट, सो लेट, और उसके बाद फिर चलते हैं घूमने के लिए। आज बहुत सारी मौज मस्ती होने वाली है, बच्चे भी फन करेंगे और हम लोग भी करेंगे, मैं और मेरी जिठानी और उनके बच्चे और मेरे बच्चे। तो मिलते हैं आज, हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं। ये है हमारा खाना, हमारे साथ सभी लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर आपको ले चलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए, हम लोग आ गए हैं जहाँ के लिए मैंने कहा था। ये है हमारा डेस्टिनेशन प्लेस, जहाँ पे मैंने बोला था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, हमारी प्लानिंग है। तो यही है वो जगह, और इस जगह का नाम है इंदिरा गार्डन, कि रायबरेली का इंदिरा गार्डन है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। आप भी इसको वॉच कीजिए, देखिए काफी अच्छा गार्डन है। ले लिया बेटा, टिकट ले लिया। गाइस, ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, काफी अच्छा गार्डन है। देखिए यहाँ पे वाटरिंग हो रही है, पानी डाला जा रहा है, तो बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं पूरा गार्डन आपको। देखिए गाइस, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, काफी प्यारा लोकेशन है। बच्चे हमारे एक्साइटमेंट से आगे चले गए हैं काफी। तनु, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलो खेलो फिर। गाइस ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, और अभी अभी आगे और बन भी रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए और भी झूले अभी लग रहे हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये लेबर्स वगैरह लगे हुए हैं। और भी झूले ये देखिए लग रहे हैं, दिखाते हैं आपको पास से जाके। ये देखिए, देखिए बच्चों ने फन करना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे बम्बू की हट बन रही है। देखिए पूरा गार्डन, बच्चे देखिए खेलने लगे हैं, दौड़ दौड़ के दूर दूर से वो देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं। धूप में मत जाओ बेटा, यहाँ इधर खेलो आके, धूप में नहीं। और एक मैडम तो हमारी सो ही गई हैं, बिट्टू जी सो गई हैं, नहीं तो वो भी दौड़ दौड़ के खेलती। बिट्टू सो गई है मम्मा, अपनी मम्मा की गोद में। मम्मा क्या सैंडल उतार दे? नहीं सैंडल नहीं उतारनी है। टूट गई है। नहीं बेटा यहाँ पे सब लग जाएगा पैर में ना। देखो झूला नहीं। हम लोग गाइस थोड़ा पहले आ गए हैं, अभी देखिए बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, भीड़ बढ़ने वाली है, अभी तो काफ़ी सन्नाटा है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको बताइएगा हमें, ये हमारा इंदिरा गार्डन अच्छा लग रहा है या नहीं?
काफ़ी बड़ा है, अगर दिखाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो हम शॉर्ट में दिखाएंगे अभी आपको। काफ़ी हरा भरा पेड़ है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उधर की आउटर जो बाउंड्री थी वो टूट गई है। और देखिए यहाँ से रोड दिख रही है, रोड पे आ जा रहे हैं जो भी साधन वगैरह वो सारे दिख रहे हैं यहाँ से। ये वाला एरिया काफ़ी शांत है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठिए आपका मन भी नहीं उबेगा। ये देखिए मालाबार नींद है, ये इस पर लिखा हुआ है, ये मालाबार नीम का पेड़ है। ये देखिए गाइस वाटरिंग कर रहे हैं और पानी की पाइप शायद टूटी हुई है, यहाँ से पानी गिर रहा है। ये गार्डन है, उनकी ये स्टैचू लगी हुई है काफ़ी बड़ी सी, स्टैचू ऑफ इंदिरा गांधी। देखिए आपको फ्रंट से दिखाते हैं, सामने से ये देखिए, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंदिरा गांधी। और इधर का व्यू देखिए, ये देखिए अभी धूप भी काफ़ी है, अभी इस वजह से अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, हम आपको अच्छे से दिखा पा रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके, अच्छा है, पसंद आया या नहीं। देखिए नीचे ये लाल मिट्टी बिछी हुई है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन एटमॉस्फेयर है, ऊपर नीचे लाल मिट्टी, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए वाह, यहाँ पे देखिए हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं, यहाँ हर तरह के प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं। ये देखिए ब्लू मार्बल रुद्राक्ष, इसको कहते हैं रुद्राक्ष का पेड़, अभी इसमें रुद्राक्ष नहीं लगे हुए हैं पर इस पर लिखा हुआ है। ये देखिए आप सामने से भी दिखाते हैं थोड़ा सा और सब फ्रंट करके, ये देखिए ब्लू मार्बल रुद्राक्ष, पढ़िए इसको, देखा आपने। ये देखिए और देखिए एक उसी में जुड़ा हुआ एक और गार्डन है, ये देखिए हरी हरी घास है, यहाँ पर लोग सब लोग बैठते हैं, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, बैडमिंटन टेनिस वगैरह खेलते हैं। सामने बैठने के लिए भी है, देखिए पेड़ भी है जिसे पूजा की घंटियाँ बंधी हुई हैं, यहाँ पे लोग मन्नत भी मांगते हैं और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो घंटी चढ़ाते हैं। गाँव को पास से दिखाते हैं इसका भी, ये देखिए पड़ रही है, देखिए हम लोग पसीने में भीगे हुए हैं बिल्कुल,
और गर्मी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। बच्चे भी खा रहे हैं, हम लोग भी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं गर्मी में। ये देखिए आंटी जी मंदिर की सफाई कर रही हैं, और ये जहाँ पे हम लोग बैठे थे हमने आपको भी दिखाया है, ये मंदिर है। और मंदिर में अब पूजा का टाइम हो रहा है शाम की, तो मंदिर में धुलाई सफाई स्टार्ट हो गई है और हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है और बच्चे भी थक गए हैं, तो अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। आ गए हैं अपने घर की तरफ, और घर के रास्ते में ही पड़ती है एक छोटी सी मार्केट, तो उस मार्केट में हमें मसाले लेने थे कुछ, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं हमें कुछ मसाले लेने हैं। और ये भैया काफ़ी अच्छा मसाला देते हैं, एकदम ताज़ा चक्की से पिसा हुआ, इस मसाले की खुशबू भी अच्छी आती है और इससे सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। बने रही हमारे वीडियो में, आगे हम दिखाते हैं आपको बताशे खाने के लिए। बच्चे बताशे खा रहे हैं सभी लोग। फाइनली हम लोग घर अपने पहुंच चुके हैं और काफ़ी थकान लग रही है, काफ़ी धूप भी थी और आते आते तो खैर ठंडा हो गया, शाम हो गई, लेकिन फिर भी गर्मी तो है काफ़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने ब्लॉग का मैं यही पे एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल तक के नेक्स्ट ब्लॉग के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।